जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप फ्रिया से होंगे। आज बात करूंगा सूरीनाम के बारे में। सूरीनाम का बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सूरीनाम का हम वीजा हासिल करना चाहते हैं, थोड़ा सा तरीका बता दें। आपने वीजा हासिल किया था और इसके रूट के बारे में बताएं, इसका क्या तरीकाकार है, हमें वीजा अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आज सारी बात इस पे करूंगा। शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा लंबी नहीं। सूरीनाम का वीजा जो है ना वो इजीली अप्लाई हो जाता है। ई वीजा इसका वीएसएफ के थ्रू अप्लाई होता है, ठीक है। मैंने जो वीजा अप्लाई किया था इसका शॉर्ट स्टे वीजा अप्लाई किया था सिंगल एंट्री, उसकी $33 फीस थी, ठीक है। $25 सूरीनाम वीजे की फीस थी सिंगल एंट्री की, और $8 जो है ना वीएसएफ के चार्जेस थे, ठीक है। तो मैंने ये $33 पे करके ये वीजा हासिल किया और 10 मिनट में मुझे वीजा आ गया था, क्योंकि मैंने टर्की से अप्लाई किया था। ये टर्की जो है ना इस्तांबुल में होता हूँ, तो यूरोप का नेट है, यूरोप के नेट से अप्लाई करेंगे तो आपको इसका रिस्पॉन्स जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अगर इंडिया पाकिस्तान से करेंगे तो आपको लेट रिस्पॉन्स आएगा, 72 घंटे के अंदर अंदर रिस्पॉन्स आएगा, हो सकता है इससे लेट भी हो जाए, ठीक है। तो अगर आप ई टूरिस्ट वीजा अप्लाई करेंगे, ये जो मैंने वीजा हासिल किया था इस पर आसानी से ट्रेवल भी नहीं करने देते, ठीक है। इस पर लिखा होता है एंट्री फीस वाउचर होता है, ये भी वीजा है, ई वीजा ही होता है, लेकिन इस पर वो ट्रैवल कर सकते हैं जो यूरोप के लोग हैं या जो स्ट्रांग कंट्री हैं वो अप्लाई ट्रैवल कर सकते हैं। हम जैसे एशियन, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, ये ट्रैवल नहीं कर सकते, ठीक है। बड़ी मुश्किलात होती हैं। आप अगर ट्रैवल करना भी चाहते हैं तो आपके पास सूरीनाम का ई वीज़ा, ई टूरिस्ट वीज़ा होना चाहिए, ठीक है, या बिजनेस वीज़ा होना चाहिए। बिजनेस वीज़े के लिए आपको इन्विटेशन मस्ट चाहिए, ठीक है। और टूरिस्ट वीज़े की बात करूँ, टूरिस्ट वीज़ा 4-5 महीने की इन्फॉर्मेशन हमने इकट्ठी की है, जो लोग हमसे अटैच हैं। काफ़ी लोगों के इन्विटेशन के बगैर भी वीज़े लगे हैं और कुछ लोगों के इन्विटेशन के साथ भी लगे हैं, ठीक है। लेकिन ट्रैवल करने में उनको बहुत मसले मसाले आए हैं, कुछ लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया, ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ से ही नहीं जो है ना फ्लाई करने दिया, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मसले मसाले हैं। जो सूरीनाम का ई वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा है उसकी $72 फीस है, $60 उसके जो है ना वीज़े की फीस है, और $12 वीएसएफ के चार्जेस हैं। इसको वीएसएफ ही डील करता है। हमेशा आपने जब सूरीनाम का वीज़ा अप्लाई करना हो तो आप इंडिया पाकिस्तान के नेट से ना अप्लाई करें। आपका कोई दोस्त यूरोप में रहता है, यूके, कैनेडा, अमेरिका, तो वहाँ कैनेडा अमेरिका से नहीं, सिर्फ यूरोप से या यूके से अप्लाई करें। कैनेडा अमेरिका फिर वो जो है ना, यानी कि वो समझेंगे शायद सूरीनाम बंदा आ गया तो आगे, समझते हैं आप बात। तो इसलिए यूरोप का कोई आपका जाने वाला या टर्की वगैरह में, तो यहां से अप्लाई करें, ठीक है। तो ये चीज़ है, सूरीनाम का रूट बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैंने वीज़ा हासिल किया, बहुत कोशिश की मैंने जो ना सूरीनाम ट्रैवल करने के, लेकिन नहीं कर सका। इसके लिए जो KLM एयरलाइन जाती है, दुबई से जाती है, UAE से, टर्की से जाती है, ठीक है। तो KLM वाया नैदरलैंड जाती है, तो उसके लिए आपको मस्ट यूरोप शेंगेन ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा। तो शेंगेन एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा बहुत कम लोगों को देता है, उनको देता है जिन पर इत्माद हो या जिनकी फाइल बड़ी स्ट्रांग हो या जिनका केस बड़ा स्ट्रांग हो, क्योंकि सूरीनाम एक नॉर्मल कंट्री है, तो इसके लिए वो कहते हैं कि अगर हमारे कंट्री में आ गया एयरपोर्ट टच कर लिया तो साइलम इसने क्लेम कर लिया तो मसला होगा। तो इसलिए फिर वो सूरीनाम के जो अप्लाई करते हैं वाया नैदरलैंड, वो वीज़ा नहीं देते, ठीक है, बहुत कम लोगों को देते हैं। एक चीज़, ये KLM ही जाती है सूरीनाम, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं टर्की में हूँ, यहाँ से मैंने टिकट बुक की इस्तांबुल से नैदरलैंड, एम्स्टरडैम से फिर सूरीनाम, पारामारिबो उसका कैपिटल है, वहाँ जाती है। उसके लिए मुझे शेंगेन एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, लेकिन वो बहुत कम लोगों को देते हैं, कोई चांस नहीं होता, ठीक है। और दूसरा इसका जो रूट है वाया पनामा, वाया पनामा हम टर्किश एयरलाइन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो वाया पनामा उस पर भी जो उसका रूट है ना, जो स्टे है पनामा में, वो तकरीबन 13 घंटे स्टे है, 13 घंटे 25 मिनट, 13 घंटे से प्लस ही है स्टे, ठीक है। तो उसके लिए भी हमें पनामा का वीज़ा चाहिए, ठीक है। अगर आप 8 घंटे तक स्टे है तो आप पनामा में कर सकते हैं, 8 घंटे से ज़्यादा स्टे है तो फिर आपको पनामा का ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। मैंने पनामा वैसे को मैसेज की कि मेरे पास सूरीनाम का वीज़ा है और मुझे पनामा का ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट दी, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आए, ये स्पेनिश में जो है ना ट्रांसलेट करवा के, नोटिस करवा के, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, बैंक स्टेटमेंट लेके आए, ये करके बड़ी डॉक्यूमेंटेशन मांगी सिर्फ ट्रांजिट वीज़े के लिए, ठीक है। तो बड़ा टफ है ये शेंगेन का भी जो एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा, ये भी यानी कि मुश्किल है, और जो पनामा का एयरपोर्ट वीज़ा है वो भी मुश्किल है। काफ़ी ज़्यादा दूसरे रूट पे सर्च की, लेकिन मुझे कोई फ्लाइट नहीं मिली, ठीक है। तो ये वीज़े पे मैं ट्रैवल नहीं कर सका, ठीक है। तो अगली बात, अब मिसाल देता हूँ, आप चिली साउथ अमेरिका का बहुत अमीर कंट्री है, अगर आप वहाँ पर जाना चाहें तो आपको जो टर्किश एयरलाइन की टिकट लेते हैं या कतर एयरलाइन की टिकट लेते हैं या एमिरेट्स की टिकट लेते हैं, तो ये आपको तोड़ तक सर्विस देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर टर्किश एयरलाइन
यहाँ से जाएगी पनामा, पनामा से फिर आगे टर्किश एयरलाइन आपको अगली टिकट का बंदोबस्त करके देगी, वो कोपा एयरलाइन, आगे जाएगी संतियागो, संतियागो चिली का कैपिटल है। यानी कि मैंने टिकट ली मिसाल के तौर, अल्हम्दुलिल्लाह अगर मुझे वीज़ा मिल जाता है, मिसाल के तौर पर चिली का मेरे पास वीज़ा है, ठीक है, तो मैंने इस्तांबुल से सफ़र किया मनामा, पनामा, पनामा से फिर कोपा एयरलाइन जाएगी संतियागो, ठीक है। तो ये जो टिकट होगी ये टर्किश एयरलाइन के होटल से ही मैं परचेज करूँगा, और यही सिस्टम है कतर एयरलाइन का, कतर एयरलाइन से जाते हैं तो वो आपको लेके जाएगी सांपालो, सांपालो से फिर जो आगे जो है ना आपको दूसरी एयरलाइन लेके जाएगी, ठीक है, वो भी आप कतर एयरलाइन से पोर्टल से लेंगे। एमिरेट्स का भी यही हिसाब है, वो भी आपको सांपालो लेके जाएगी ब्राज़ील, ब्राज़ील से फिर आगे जो है ना वो संतियागो आपको लेके जाएगी। तो यानी क्योंकि चिली एक अमीर कंट्री है और सूरीनाम एक गरीब कंट्री है, अमीर कंट्री आप जा रहे हैं क्योंकि वो ब्राज़ील से भी भरा उसका वीज़ा है और जो है ना पनामा से भी उसका भरा वीज़ा है, ठीक है, तो इसलिए फिर वहाँ जाने के लिए आपको ये टिकट्स बोर्डिंग सारा कुछ दे देते हैं, लेकिन सूरीनाम जाने के लिए वीज़ा बोर्डिंग मुश्किल करते हैं, तो ये चीज़ है। तो चिली पे भी इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में वीडियो बनाऊंगा, बड़ा ज़बरदस्त इसका सिस्टम है वीज़े का, ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सूरीनाम वीज़ा के आप दीवाने हैं, मानते हैं वीज़ा इसका आसान है, मिल जाता है, ठीक है, अगर आपको वीज़ा मिल गया तो आपको जानते होंगे तो इसके लिए ट्रैवल रूट तलाश करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। मैंने बड़ी स्ट्रगल की है सूरीनाम जाने के लिए, लेकिन मैं सिफर, मैं नहीं जा सका, ठीक है, 5-6 लाख की टिकट है, ठीक है, शेंगेन वीज़ा अप्लाई करो, आगे वो वीज़ा दें या ना दें, 80 यूरोस की भी फीस है, ठीक है, आगे टिकट इतनी महंगी लो, सूरीनाम जाओ, सूरीनाम इंट्री दें या ना दें, रिस्की काम, सारा रिस्की काम, तो इसलिए फिर मैंने ये ट्रैवल नहीं किया, ठीक है। तो आप भी जब भी फैसला करें सोच समझ के करें, सूरीनाम को छोड़ें और काफ़ी कंट्री हैं उनका अप्लाई करें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कौन कौन से कंट्री आपके लिए बेस्ट हैं और कौन कौन से एंट्री देते हैं, ठीक है। ये जंटू ने मसला बनाया ये आपको ये है ये है। आप रूट आपका मिल जाए, जैसे कि मैं आपको बता, चिली, चिली का वीज़ा आपके पास है तो टर्किश एयरलाइन की टिकट लें सीधा चिली, आपको ना कोई पूछेगा ना कोई गाल ना बात, ठीक है, सीधा चिली, चिली तो वही रूट वापस फेर देना ना तुम आ सकते हो, ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। सूरीनाम का निज़ाम गंदा है, ये निज़ाम ठीक नहीं है, तो चिली का निज़ाम मैंने बड़ा बेस्ट लगा है, ठीक है। अगर तुम चिली जाना चाहते हो, अर्जेंटीना के थ्रू जाना चाहते हो, अर्जेंटीना के थ्रू भी जा सकते हो, कोलंबिया के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है, पनामा के थ्रू भी जा सकते हो, ब्राज़ील के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। वेखो अमीर कंट्री है तो हर कोई सर्विस दे रहा है, सूरीनाम गरीब कंट्री है तो वो वास्ते कोई सर्विस नहीं दे रहा, ऐ चीज़ें पैसे ज़्यादा ना करो, ठीक है। तो मैनू दियो इजाज़त, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अल्लाह हाफिज़।